हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम से। मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30। तो 7:30 बजे मैंने काउ शेड का काम पूरा जो है निपटा लिया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ शीरा, जो कि हमारे गेहूँ से बनता है। तो उसको कैसे बनाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, बनाते नहीं पकाते। ये होता है शीरा, तो इसको मैं जो है डोंगे में भीगने डालूँगी। शीरा जो है मैंने भीगने के लिए डाल दिया है और यहाँ कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला हुआ है जो कि काफ़ी गर्म हो चुका है। तो शीरा जो है मेरा पूरे तरीके से भीग भी चुका है। तो अभी मैं इसको डालूँगी कढ़ाई के अंदर। तो आटा भी मैंने गूंथ दिया है, ये हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो अभी मेरा घी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी डालूंगी मैं जो मैंने शीरा जो है भीगने के लिए रखा हुआ है, इस शीरे को घी के अंदर। और गैस की फ्लेम में अब तेज कर दूंगी और साथ में नीचे मैंने दूध वाली मशीन जो लगाई हुई है, जो मेरी डेली की मॉर्निंग रूटीन है। तो ये देखिए, दूध की मशीन भी मैंने लगा दी है मक्खन लगाने के लिए। तो अभी मैं इसको जो है साइड साइड से हिलाऊंगी, बीच से मैं बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी, बिल्कुल साइड साइड से हिलाऊंगी। अगर बीच से मैं इसको हिलाऊंगी तो इसकी जो है गोलियां बन जाएगी और फिर वो ठीक करने से भी ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से मैं इसको करूंगी। हाँ कंगी कुंगी करो। तो इस तरह से मैं हिलाते रहूंगी और ये पानी को घी सोख लेगा बिल्कुल। और दूसरी साइड मैंने जो है सब्जी बनाई हुई है। से मैं इसको हिलाते रहूंगी जब तक कि हमारा पानी जो है पूरी तरीके से सूख ना जाए। अब जो है मेरा पानी जो है पूरे तरीके से सूख चुका है और इसी तरह मैं इसको हिलाते रहूंगी और बाद में जो है मैं इसमें चीनी भी डालूंगी। तो अभी डालूंगी मैं इसके अंदर चीनी। चीनी जो है अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, हम मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो मैं ज़्यादा डालूंगी। ये होगी चीनी और इसको मैं अब मिला लूंगी शीरे में। अभी थोड़ा इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा जब मैं चीनी डालूंगी। और इसको पकाने में लगभग 10 या 15 मिनट लग जाते हैं क्योंकि इसको बार बार कड़छी से जो है पकाना पड़ता है, उल्टी कड़छी से दबा दबा कर। जब तक कि हमारा शीरा जो है घी ना छोड़ दे तब तक हम इसको इसी तरह जो है पकाते रहेंगे। जब ये घी बिल्कुल छोड़ देगा तो इसका मतलब हमारा शीरा जो है बन के रेडी हो चुका है। और इस तरह मैं हिलाते रहूँगी इसको। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
मक्खन जो है मेरा लग चुका है और रिया निकाल रही है अभी मक्खन। और मैं बना रही हूँ शीरा। तो अब मेरा शीरा जो है बनके रेडी हो चुका है, तो देखिए। तो ये कर दी है मैंने प्लेटिंग। अभी डाली मैं इसमें देसी घी और साथ में जो है चपाती। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और मैं बाहर आ चुकी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ जो है बाहर का थोड़ा सा व्यू मैं कैप्चर कर लेती हूँ। तो आसमान में बादल भी लगे हुए हैं और कहीं पर हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है, लेकिन मौसम आज जो है बहुत ही ठीक है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है और घास वगैरह भी हमने निकाल दिया है सुबह के टाइम। ऐसे मौसम में जो है काम करने का बढ़िया आनंद होता है, नहीं तो अगर बारिश हो तो गीले गीले होके जो है हमें घास भी निकालना पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आसपास का व्यू बहुत ही सुंदर है। और खट देखिए, खट जो है बिल्कुल खदली आई हुई है क्योंकि पीछे जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई होगी, तो खट जो है मिट्टी की तरह आई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके, ये देखिए खट जो है पूरे तरीके से मिट्टी मिट्टी की तरह आई हुई है। और अब जो है हमारे यहाँ पर भी हल्की हल्की जो है धूप लग चुकी है और जो झूंड हमने लगाया था घीये का वो फिर से जो है नीचे की तरफ गिर रहा है क्योंकि बेल का जो है वजन बहुत ज़्यादा हो चुका है। और ये रहा करेले का, और बाकी तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपने किचन गार्डन का हर चीज़। ये बैंगनियाँ हैं और उधर जो है भिंडी है आगे को, और मक्की जो है हमारी सारी जो है बर्बाद कर दी है बारिश ने, पूरी गिर गई है। तो यही था आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।